वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे दूधपाक। दूधपाक जनरली गुजराती घरों में ज़्यादा बनता है। इसमें मिल्क, चावल और ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे आप गरम और ठंडा दोनों तरीके से सर्व कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लेके उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी मैंने नॉनस्टिक का पैन लिया है। अगर आप स्टील या एल्यूमिनियम का ले रहे हो तो पहले बर्तन में घी लगा दें, उसके बाद ही दूध गर्म करने के लिए रखें। अब मैंने 1 टेबलस्पून बासमती चावल को आधे घंटे पहले वॉश करके भिगो के रखा था। अब हम पानी निकाल के चावल इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम करके हमें इस मिल्क को बॉईल कर लेना है। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। अब इसमें से थोड़ा मिल्क हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा केसर ऐड कर देंगे। मिल्क को हम साइड से भी निकालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। चावल के दाने को इस तरह से चेक कर लेंगे। ये अभी भी थोड़ा कच्चा है। अब हम इसमें केसर ऐड कर देंगे, थोड़ी चरोली ऐड करेंगे। चावल का दाना कम्प्लीटली पक जाए तब तक हमें इसे पकाना है, क्योंकि जब हम शुगर ऐड करेंगे उसके बाद चावल नहीं पकता। इस तरह से चावल का दाना इजीली मैश हो जाना चाहिए। तो अब चावल पक चुका है तो अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब ये शुगर कम्प्लीटली पक जाए तब तक हमें इसे पकाना है। इलायची और जायफल का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हमारा दूधपाक रेडी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और पैन को हम नीचे उतार के भी इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई का लेयर ना बन जाए। अब मैंने बादाम को गर्म पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। अब इसका मैंने स्किन निकाल लिया है। अब हम बादाम को कट कर लेंगे। इस तरह से हम लंबा कट करेंगे। अब बादाम हम दूधपाक में ऐड कर देंगे, मिक्स कर ले। अब आपको अगर दूधपाक वार्म सर्व करना है तो अब ये रेडी है। अभी मैंने इसे ठंडा करके सर्व किया है। तो अगर आप दूधपाक गरम या ठंडा जिस तरह से भी सर्व करना चाहे सर्व कर सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है और बादाम को हमेशा इस तरह से ब्लांच करके ही इसमें ऐड करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।